तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता। किंग यहां पर आया था हमारे मेन कैरेक्टर की बैंड बजाने, लेकिन मेन कैरेक्टर उसका स्वॉर्ड लेकर उसी के बैंड यहां पे बजा देता है और सामने से कहता है, यार आपको याद है हमारे दुनिया में एक रूल होता है, जब कोई सीनियर पहली बार किसी अपने जूनियर से मिलता है ना, उसको कुछ ना कुछ यहां पे गिफ्ट देता है। देखो अभी आपने जो स्वॉर्ड यहां पे दिए ना, वो तो दूसरों घर पे जाते तो खाली हाथ नहीं जाते, कुछ लेके जाते। वो होता मेरे लिए कोई गिफ्ट आप नहीं लेकर आए क्या? पीछे से दादा और बाप भी कहते, यार ऐसा रूल यहां पर होता है, जूनियर से पहली बार मिलते गिफ्ट यहां पे देना चाहिए, या दे दो यार। सामने से किंग का दिमाग का दही क्या, अरे यार अगर मुझे मालूम होता यहां पर आने के बाद ना, मैं कंगाल हो जाता, अपनी बीबी के साथ ना बिस्तर पे आराम से मजे करता, मैं यहां पर आता ही नहीं। सामने से ताना मारता हमारा मेकर डक, यहां भी कैसे किंग हो भाई, देश के किंग हो और अपने जूनियर से पहली बार मिल रहे हो और गिफ्ट भी यहां पर दे नहीं सकते, लागत ऐसे किंग पर। वो कहता नहीं नहीं ऐसा कैसे, मैं कुछ नहीं दूंगा, हे मेरे पास यहां पर है ये लो, एक हमारे का कद्दू वाला आर्टिफैक्ट यहां पे था, मतलब कद्दू के शेप का एक बोतल यहां पे था, ये लेके खुश। मनी मन सोचता है ये अटैक करने के लिए काम नहीं आता और नए डिफेंस करने के लिए काम आता है, लेकिन अगर तुम्हारे पास ये ना, तुम्हारे पास अगर ये रहा तो तुम्हारे जो कल्टीवेशन है ना उसको इंप्रूव करने के लिए काम आता है, तो सच्ची में बढ़िया है। और सोचने लग जाते भाई अब ऐसा क्या करूं, तो किंग भी जाते कह रहे यार ये लौंडा और सोचे जा रहा है अभी और क्या करना चाहता। तो सामने से मैं कहता कहता है कि हाँ हमारा एक छोटा भाई भी यहां पर है, तो किंग कहता ओह मुझे कुछ काम यहां पर याद आ गया, एक अर्जेंट काम यहां पर याद आ गया, इसलिए मैं तो चला, इतना बोल के निकल जाता है। पीछे से मैं कहता है भाई भाई जब मेरा छोटा भाई आएगा ना आप भी यहां पर आ जाइएगा, तो लेकिन किंग निकल जाता है ये सोच के भाई जिंदगी में कभी भी यहां पर वापस नहीं आऊंगा। जो सौड और बक्सा इसके पास था ना, वो बाप यहां पर ले लेता है और कहता बच्चा तू अभी छोटा है, इतने सौड का क्या करेगा जब तक मैं इसको यहां पर रख लेता हूं। तो सामने से रोने का नाटक करने लग जाता है, अरे पापा बड़े बुरे हो यार, क्या तो भाई सारा जो चीज है ना मेरा है, लेकिन अब मुझसे मेरा चीज यहाँ पे चोरी कर लेते हो। बाप कहता है अरे मेरे बेटे रो मत। जो दादा यहाँ पे था ना बाप से भी छीन लेता है और कहता है साले कैसा नालायक बेटा है, अपने बेटे से सामान यहाँ पे चोरी करता है, ये लो मेरे पोते मेरे प्यारे पोते रो मत, इसे रखो, देखो भाई मैंने लाके तुमको दे दिया। तो ये भी कहता है थैंक यू दादा, आंसू पोछ लेता है और मनी मन कहता है मेरे आंसू मगरमच्छ के आंसू यहाँ पर है, क्या पागल बना दिया बाप को भी और दादा को भी। तभी आसमान में बिजली यहाँ पे ऐसा होता है, रिएक्शन होता है, यानी दूसरा जो बेटा यहाँ पे था ना भाई छोटा भाई वो फाइनली पैदा होने वाला था। बाप को भी याद आता है भाई मेरी बीबी अरे दूसरी बार भी प्रेगनेंट यहाँ पे थी, दूसरा बच्चा होना बाकी रह गया था जो पहली बार में यहाँ पे निकला ही नहीं था, मुझे जाना चाहिए। पीछे से मैं कहता था खुश, हाँ मेरा छोटा भाई 3 साल से, हमको लगा साथ में हमारा जन्म होगा, लेकिन डर के चक्के में बाहर यहाँ पर आया नहीं, अब मुझे उसका इंतजार है। हाँ तो घर में जाता, जैसे जाता ना जन्म हो चुका था, ये बाप ऐसा लिया हुआ था और जैसे हमारे मेकेटर को वो छोटा भाई देखता ना डरने लग जाता। ऑफकोर्स भाई पेट से इसकी कुटाई होती है तो भाई यहाँ पे तो ऑफकोर्स डरेगा ही ना, और डर के चक्के में रो ही नहीं रहता। तो ये जाता मेकेटर पास में और कहता कह रही यार पापा क्या हुआ, ये रो काय को यहाँ पे नहीं रहा, रुको मैं रुलाता हूँ, और इतना बोल के उसके पिछौड़े पे जोर से थप्पड़ यहाँ पे मारता है, तो वो जोर जोर से रोना चालू कर देता है। बाप भी कहता अरे भाई तूने अपने छोटे भाई को मारा कहीं को, ये रोना दोना मुंह बना लेता, प्यारा सा मुंह बनाता। कहता नहीं वो रो नहीं ना रहता, जब बच्चे पैदा होते उनको रोना चाहिए, वो नहीं रोते इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो मैं गड़बड़ दूर कर रहा था। मनी मन खुश नहीं भाई, मैं तो बस उसको परेशान कर रहा था, सिस्टम में लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशन आपने अपने छोटे भाई को जो कि चूजन बने उसको रुला दिया, इतना पॉइंट मिलेगा, उसके अंदर की जो स्पेशल एनर्जी थी ना आपने वो भी गायब करवा दी, उसका एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, यानी आपने उसकी धजिया उड़ा दी, उसका भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा। उसको बाद ये आराम से अपने घर के अंदर चल जाता है हमारा मेकेटर और सिस्टम में देखने लग जाता है। मनी मन सोचता जब से मैं कौनसिल में टेक्निक पे गया हूँ ना, मेरा जो भाई प्रोग्रेस होने का जो स्पीड है ना वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया, लेकिन हाँ मेरा छोटा भाई यहाँ पे पैदा हो गया, बार बार उसको मार के बार बार परेशान करके ना ढेर सारे विलन पॉइंट कमा लूंगा, ये नहीं पॉइंट की तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, तो चलो यहाँ पे स्पिन मार लेता हूँ। हाँ तो स्पिन मारता है और स्पिन हो रहा है, ये एक्साइटेड भाई क्या मिलेगा। तो एक कमाल की ना इसको 100 टेक्निक यहाँ पे मिलती है, जो कि नाम से कमाल का लग रहा था, वो यस पे जैसे क्लिक करता ना तो जो भी टेक्निक का जो था ना अभी नॉलेज इसके दिमाग में आ जाता है, जैसे नॉलेज दिमाग में आता है ना खुश की वाह यार ये नॉलेज तो सच्ची में बड़ा कमाल का यहाँ पे लग रहा है, मुझे जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी प्रैक्टिस यहाँ पे कर देना चाहिए। और सुनो सिस्टम भाई कॉन्सिलमेंट और कुछ और यहाँ पे था जो कि कल्टिवेशन करने के काफी इंपॉर्टेंट होता है, वो मंगाता है कि भाई वो भी मुझे यहाँ पे दे दो। सिस्टम का दोके ठीक है भाई उसके 3000 लगेगा, तो हमने 3000 पॉइंट काटा और आपको ना 1 महीने का और यहाँ पे मिल गया। उसके बाद सीन शो था 1 महीने बाद, ये अपनी स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहा था, दादा आता है, वो आते कहता हेलो मेरे पोते देखो तुम्हारा दादा आ गया, ये कहता मगर क्यों आयो, वो कहता नहीं मेरे पोते मैंने सुना कि भाई तुम स्वॉर्ड मैनशिप की प्रैक्टिस यहाँ पे करो, तुमको गाइडेंस यहाँ पे दे दो, तुमको यहाँ पे सिखा दूँ। मनी मन सोचता भाई मुझे सिखवाने की जरूरत नहीं है, मैं सीख लूंगा, अगर मुझे मेरा छोटा भाई दे दिया जाएगा और मैं उसकी कुटाई करके पॉइंट कमा लूंगा, बस 2 दिन के लिए मुझे छोटा भाई दे दो, 2 दिन में मैं 2 लाख पॉइंट यहाँ पे कमा लूंगा। हाँ ये सारी बातों मनी मन सोच रहे, इसलिए दादा को ये सारी बातें सुनाई देता नहीं। दादा कहता भाई तुम स्वॉर्ड मैनशिप की प्रैक्टिस करो या फिर खाली कल्टिवेशन प्रैक्टिस करो, तुम्हारा मन एकदम शांत हो चाहिए, पीस होना चाहिए और कभी भी 1% का भी घमंड यहाँ पे होना नहीं चाहिए। ये देखो एक पत्ता लेता है, उससे 100 डंडे तैयार करता है और हमला करके ना दीवार पर ऐसा निशान बना देता है और कहता है ये जो टेक्निक है ना मैंने कई साल यहाँ पे लगा दिया, सर्कुलेशन में गया, ये
किया वो किया, तब जाके मैंने टेक्निक यहाँ पे सीखी थी बिना किसी एरोगेंस का और एकदम माइंड को शांत रखे। तुझे भी ऐसा करना चाहिए। तो हमारा मेन कट अभी अपना पत्ता वत्ता बाजू में पड़ा हुआ था, उसको अपने लात से मार के पत्ते को भी स्वॉर्ड एंटेंट में कन्वर्ट कर देता है, हमला यहाँ पे करता है, जिससे भाई सामने पत्थर यहाँ पे था वो पत्थर पे असर होता है। ये सोचता भाई मैंने तो भाई एक ही महीने का ट्रेनिंग में इतना कर लिया, दादा ने सच में इतना साल यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है 5 साल बाद हमारा जो मेन कटर है ना अब वो 8 साल का टोटल हो चुका है, पहले 3 साल और 5 साल यानी 8 साल ये नहा रहा था और नहाते नहाते अपना कल्टीवेशन कर रहा था या कह लो सिस्टम से कल्टीवेशन करवा रहा था, जिसके बाद इसका लेवल अप हो जाता है और इसको सिल्मे स्टेज के बाद जो अगला स्टेज आता है ना जिससे ट्रांजिशन स्टेज कहते हैं वो स्टेज पे पहुंच जाता है, जिससे जो कमरा यहाँ पे था ना बाथरूम वही ब्लास्ट हो जाता है। बाद से दादा पोता भी देखते ओ माय गॉड यार इसका तो लेवल अप हो गया, ये 8 साल की उम्र में ट्रांजिशन स्टेज पे जा चुका है, इसका जो छोटा भाई पैदा हुआ था ना वो भी 5 साल की उम्र में कॉन्सिलमेंट स्टेज पे जा चुका है, यानी दोनों जो बेटे ना एक से बढ़कर एक टैलेंटेड और जीनियस यहाँ पर है। हमारा मेन कटर नंगा ही बाहर आ जाता है और कहता है कहाँ है भाई मेरा छोटा भाई, हाँ तो बाप का दिमाग खराब किया है यार ये फेस से नंगा बाहर आ गया। दादा सोचते हैं भाई ये दोनों का ना हर साल छोटा मोटा लेवल अप होता है और लेवल अप के चक्कर में ब्लास्ट होता है और घर यहाँ पे टूट जाता है, बेचारा मेरे बेटे को ना हमेशा घर यहाँ पे बनाना पड़ता है नया नया। सामने से मेन कटर कहता है डोंट वरी मैं खुद जाकर उसको ढूंढ लूंगा, बताने की कोई जरूरत नहीं है। तभी जो हमारा मेन कटर है ना उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कॉन्ग्रेचुलेशन सचिवालय बाद लेवल अप करने के लिए और आपको एक लाइट मिशन यहाँ पे मिलता है, आपका जो छोटा भाई है ना उसका जो सुप्रीम बोन है ना सुप्रीम बोन ले लो, ये हिल जाता है क्या उसका सुप्रीम बोन लेना यानी भाई ऑलमोस्ट सब कुछ लेने के बराबर है यार, तो ऐसा नहीं कर सकता सिस्टम भाई ऐसा नहीं कर सकता। वो कहता है भाई सुप्रीम बोन है ना वापस से भी होगी यहाँ पे सकता, आपने एक बार ले लिया तो कोई घंटा भी ऐसा नहीं होगा कि भाई वापस से आ जाएगा तो कर सकते हो यार। ये भी कहता है अच्छा वापस से रिबोन भी होता है क्या, लेकिन तो भी भाई एक मेरे को कुछ ज़्यादा या लग रहा है मतलब सच्ची में ज़्यादा हो गया, सोचने तो भाई मुझे शांति यहाँ पे चाहिए। तो पीछे से भाई ये दादा पोता यहाँ पे कन्फ्यूज, बाप यहाँ पे कहता है कि एक सेकंड उसने कहा था उसको छोटा भाई चाहिए अब उसको शांति चाहिए, दादा कहता है यार ये शांति यहाँ पे कौन है, हाँ देखो शांति मतलब चाइनीस में उसको जिंग जिंग कहा जाता है और जिंग जिंग भी ना चाइनीस में एक नाम होता है जैसे कि हिंदी में ना शांति नाम होता है, हाँ तो दादा भी चाइनीस में कहता है कि जिंग जिंग कौन है वैसे हिंदी में शांति कौन है, मतलब मैंने कुछ अपने हिसाब से ऐड नहीं किया सच्ची में ही यहाँ पे लिखा हुआ था। उसके बाद यहाँ पे शिव शुद्ध कुछ समय बाद वो जो छोटा भाई यहाँ पे था हाउ जिसके नाम है पेड़ पे आराम से सो रहा था, ये पेड़ के पास यहाँ पे चल जाता है या उसको मारने के लिए, मनी मन सोचता भी मैंने सोचा अपनी जिंदगी आराम से प्ले बॉय जैसी लग्जरी जीऊंगा, लेकिन भाई जिंदा रहने के लिए आगे चल के हीरो बन के ये मेरे जैसे विलन को मारना डाले तो मुझे ऐसा मिशन यहाँ पे करना पड़ेगा, सॉरी मेरे भाई इतना बोल के ना उसके पिछवाड़े पे बड़ा जोर से यहाँ पे मारता है। तो सिस्टम में लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशन अपने चूजन वन यानी अपने छोटे भाई का पिछवाड़ा फाड़ दिया, तो आपको मिलते हैं पॉइंट एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। अभी अभी मानो मैंने चालू किया तो भाई लाइक का टारगेट मैं देना चाहूंगा तो प्लीज पूरा कर दिए, लाइक ज्यादा नहीं है 2000 यहाँ पर है, हाँ 2000 पूरा कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।